हेलो चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इंग्लिश में एक एक्टिविटी करने वाले हैं और वो एक्टिविटी किस फॉर्म में होने वाली है? पोयम के फॉर्म में। वो पोयम है आपके यूनिट 2, आई एम लकी। ओके बच्चों, सो बिफोर वी विल स्टार्ट द पोयम, लेट अस गो टू द जंगल। यस, आपने सही सुना, हम जंगल में जाने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो। वी आर इन अ जंगल, सो मैनी ट्रीज आर हियर। ओके, वी हैव सीन द जंगल, नाउ वी विल मीट द एनिमल्स। ओके, टू मीट द एनिमल्स वी हैव टू स्टार्ट अवर पोएम नाउ। ओके, सो आई एम लकी। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a man in a tree, I would be thankful that I can sing. If I were a fish in a sea, I would be thankful that I can wrinkle. I can giggle in glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. Okay children, पहले हम इतना समझते हैं, ठीक है? इस poem का मतलब क्या है? If I were a butterfly, अगर मैं एक butterfly होती then I would be thankful. मुझे thankful होना चाहिए था किसके लिए? For my wings, क्योंकि मेरे पास wings है, मैं उड़ सकती हूँ। ओके, इफ आई वेर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं मैना होती ट्री में तो भी मुझे थैंकफुल होना चाहिए। किस लिए थैंकफुल होना चाहिए? बिकॉज आई कुड सिंग। ओके, इफ आई वेर अ फिश इन अ सी देन आई वुड बी थैंकफुल। ओके, सो आई जस्ट थिंक आई एम टू बी लकी मी, तो मुझे क्या होना चाहिए? मुझे खुद में भी थैंकफुल होना चाहिए, खुद के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझ में भी कुछ ना कुछ अच्छा है ना, सब में कुछ ना कुछ अच्छा है। ओके, इफ आई वेयर एन एलिफेंट दैट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माय ट्रंक। यस, थैंकफुल यू शुड बी, इफ यू विल बी एन एलिफेंट यू शुड बी आल्सो बी थैंकफुल बिकॉज यू हैव अ ट्रंक टू रेज टू थ्रो द वाटर। If I were a kangaroo, I would be thankful because I would try to hop, okay, right up the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. Octopus ke 8 arms hote hain, hands hote hain, okay. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. Okay, so tell me, you should be lucky to feel. ठीक है, हमें ऐसा lucky feel होना चाहिए that we have some qualities in ourselves जिसके लिए हमें thankful होना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए हमको thankful होना चाहिए, ठीक है? हमें कभी यही नहीं सोचना चाहिए काश हम उसकी तरह होते, काश हम इसकी तरह होते। नो, एवरीवन हैव इट्स ओन क्वालिटी। सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में है। ओके, सो वी शुड बी थैंकफुल। ओके चिल्ड्रन, दिस वॉज द पोयम, सो लेट्स गेट बैक टू द क्लास। ओके, वी आर इन अ क्लास नाउ। नाउ द थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स विच यू हैव सीन इन द पोयम। हमने पोयम में बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखे हैं ना, आपको उन एनिमल्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं आप, और आप चाहें तो यूजिंग पेपर्स आप बना भी सकते हैं, और आप चाहें तो आप खुद भी बन सकते हैं बटरफ्लाई। ओके, डू सेंड मी योर वर्क, आई एम वेटिंग।